शिक्षा मंत्री का इतिहास क्या है उत्तराखंड में, चुनाव जीतता नहीं शिक्षा मंत्री। क्या गदरपुर का विधानसभा में क्या सिर्फ एक ही विद्यालय है? उत्तराखंड के तमाम विद्यालय की जर्जर स्थिति है, कई सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, क्या ये शिक्षा मंत्री जी को नहीं दिखता? बिल्कुल विकास बहुत ज्यादा, विकास हुआ है हमारे नगर पंचायत में, जो रोडे बनी है ना, जो डामर रोड थे उसमें टाइल्स लगा दिएगा तोड़ के। बड़ी मुद्दे ये है कि जो नजूल भूमि है उसको मालिकाना हक दिया पांडे जी ने। काम बहुत बढ़िया काम किया पांडे जी ने। अच्छा काम किया पांडे जी ने, बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया। जो सिलेंडर 300 रुपए 380 रुपए में था और 900 1000 रुपए में पार कर दिया, 1000 रुपए काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। एम्बुलेंस है जो सबसे प्राइमरी सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है। ये कह रहे हैं मैजिक एम्बुलेंस है, देखिए पीसी ये मैजिक एम्बुलेंस। 80 रुपए सरसों का तेल मिलता था वो 200 रुपए में हो गया। एक सिलेंडर लेने के लिए हमें 10 दिन लाइन में लगना पड़ता था, अब एक फोन करो सिलेंडर किचन में लगा के आता है, थोड़ा सा महंगा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज आ पहुंचे हैं हम एक नई विधानसभा सीट पर और ये सीट अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि सीट है गदरपुर। गदरपुर वो विधानसभा सीट जहां से खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे चुनावी रण में हैं। गदरपुर ये वो विधानसभा सीट है जहां पर सियासी गदर की पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके साथ साथ क्या अरविंद पांडे उस मिथक को तोड़ पाएंगे जो उत्तराखंड के सियासी इतिहास में दर्ज है? बात हम बतौर शिक्षा मंत्री उनके चुनावी रण की भी है क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास गवाह है, जो भी शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है। लेकिन क्या अरविंद पांडे गदरपुर से उस इतिहास को बदलेंगे, क्या उस मिथक को वो तोड़ पाएंगे? अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। और गदरपुर का विकास हुआ या फिर नहीं, मंत्री जी ने कितना विकास किया और कितना नहीं, क्या इस बार गदरपुर की सियासत की पिच पर अरविंद पांडे चुनाव जीतने में होंगे कामयाब, और कांग्रेस के पास वो कौन सा हथियार है जो अरविंद पांडे को चुनावी रण में चित करेगा? आपको बता दें हमेशा की तरह जनता भी है और जनप्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले गदरपुर की आवाम का बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। बात बीजेपी की है क्योंकि ये बीजेपी की सीट है, तो गदरपुर सीट पर अरविंद पांडे के लिए पक्ष रखेंगे बीजेपी का हमारे साथ हिमांशु सरकार। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे कांग्रेस के युवा चेहरे किशोर हालदार। युवा चेहरे हैं और कांग्रेस का हाथ कितना मजबूत है ये बताएंगे किशोर जी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सुभाष व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही एक और मेहमान जो कि पत्रकार हैं और गदरपुर की तमाम समस्याओं के साथ साथ यहाँ के मुद्दों को भी गिनवाएंगे, अमित जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल पूछने की आदत है मेरी सत्ता से और सत्ता से ही जवाब लेता हूं। तो सबसे पहले अरविंद पांडे जी ने अपने क्षेत्र में कौन से ऐसे तीन काम किए, तीन उपलब्धि, चार चुनाव वो जीत चुके हैं, पांचवी बार रण में हैं। अब मुझे तीन उपलब्धि बताइए हिमांशु जी, गदरपुर में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जनता आपको वोट करे? सर खड़े होके आज सब ये डिबेट में जितने भी हमारे चुनाव के दौरान हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता पहुंची है, सबको मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमस्कार करना चाहूंगा। और मैं तीन आपके जो काम है, मैं दिनेशपुर की ओर से एक बात तो आपको कहना चाहूंगा कि अरविंद पांडे ने जो विकास किया है, जो सबसे बड़ा आपके सामने जो स्कूल ये जो है, ये राजकीय इंटर कॉलेज है, वो जो 4 मंजिला जो जिसमें लिफ्ट भी फिट होने जा रही है, और सामने जो स्टेडियम है, और यहाँ का जो दुर्गा मंदिर है जो हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी, और सबसे बड़ी जो मैं अगर आप तीन मांग करें ना, मैं अगर मांग गिनाते जाऊँ तो मैं तीन मुद्दे गिनवा दीजिए बस मुझे। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बंगाली समस्या था, वो जो बंगला भाषा था वो भी पूरा हो गया है, और बंगाली छात्रवृत्ति में जो लिख के आता था पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, जो कांग्रेस के शासन में हमारे साथ एक दुर्व्यवहार किया था, उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका हल किया है, इससे हम अच्छा, आपने कहा कि विकास की गंगा वादी गदरपुर में, मंत्री जी ने
आप जानते हैं ना शिक्षा मंत्री का इतिहास क्या है उत्तराखंड में? चुनाव जीतता नहीं शिक्षा मंत्री चुनाव हारता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो बनता है वो बिजनेस करता है। हमारे अरविंद पांडे ने ट्रांसफर का बिजनेस नहीं किया। अच्छा, ट्रांसफर का बिजनेस नहीं किया। ओके, ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे काम है जो अरविंद पांडे ने किए हैं गदरपुर के लिए, गिनवाएंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन किशोर जी, हाथ होगा मजबूत? देखिए, हमारे बीजेपी के भाई साहब ने कहा कि अरविंद पांडे ने बिजनेस नहीं किया, सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डील हुआ था उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने खाए। एनसीईआरटी का डील? जी, एनसीईआरटी की जो किताबें उत्तराखंड में लागू की गई है, यहाँ तक कि प्राइवेट विद्यालय में एनसीईआरटी के साथ साथ प्राइवेट पुस्तक भी हो रही है, तो माता पिता पर दोहरा भार पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आप गदरपुर विधानसभा की बात करें, क्या गदरपुर का विधानसभा में क्या सिर्फ एक ही विद्यालय है? बोलने गदरपुर में कह रहे थे कि देखिए आपके पीछे एक स्कूल बना, देखिए एक मिनट बोलने दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर गदरपुर विधानसभा की बात करें, शिक्षा मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, क्या सिर्फ दिनेशपुर ही है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड के तमाम विद्यालय की जर्जर स्थिति है, कई सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, क्या ये शिक्षा मंत्री जी को नहीं दिखता? शिक्षा मंत्री अगर अरविंद पांडे अगर गदरपुर से जीतना, एक ही स्कूल बनवाया, सिर्फ एक ही स्कूल बनाया, एक ही स्कूल बनाया, ये कह रहे हैं एक ही स्कूल बनवाया, एक ही स्कूल बनवाया। इनको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप पूरे गदरपुर विधानसभा में देख लीजिए, गदरपुर विधानसभा चमन बना दिया स्कूल को, चमन बना दिया। कौन से स्कूल बनवाए पूछ लो इनसे, कौन कौन से स्कूल बनवाए मैं पूछ लेता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से स्कूल बनाए, बताइए स्कूल कौन? जयनगर का, इनके जहाँ से ये आते हैं, इनके ये यहाँ पे लोग जयनगर का इंटर क्लास में, जयनगर का बिल्डिंग तैयार होने वाला है इतने जल्दी, नगर में होने वाला है। वो कह रहे कि बनाया, बना दिया। बीजेपी की बुनियाद सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। ये देखिए, जनता आपको बताएंगे सिर्फ क्या दिनेशपुर के इंटर कॉलेज बनाया है, और कोई भी गदरपुर में जो डिग्री कॉलेज है वो छोटे से कमरे में बनाया। उसकी तो मुबारकबाद दे दीजिए बनाया। हाँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देखूंगा, क्योंकि अगर जनता को अगर फायदा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी शिक्षा मंत्री से ये उम्मीद है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे तमाम विद्यालय खड़े करे जहाँ पर शिक्षक के साथ साथ सारी बुनियादी सुविधाएं। ओके, ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, सुभाष व्यापारी जी आपसे जानना चाहेंगे, देख रहे कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ रही है, आपका क्या होगा जनाब अली? अभी बीजेपी के हमारे मित्र हिमांशु जी ने अपना पक्ष रखा, भाजपा का किशोर जी ने कांग्रेस का पक्ष रखा। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता का मैं सबका नमस्कार करता हूँ, और बहुत अच्छा मौका आपने दिया है आम आदमी पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए उत्तराखंड की जनता के बीच में। तो अभी आपने स्कूल की विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका पक्ष तो कांग्रेस जी ने रख दी। मैं आपको दूसरी बात पर ले चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है गदरपुर का गुलरबोज, तो यहाँ पे जर्जर अवस्था है, बहुत जर्जर है। हाँ, इसके इस पे काम होना चाहिए था। अस्पताल नहीं बना, जो था वो भी गया। हाँ, वो भी गया। और दूसरी बात, यहाँ पे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इस बार तीसरे विकल्प के रूप में आई है, और यहाँ पे उत्तराखंड का नव निर्माण की नारेबाजी नहीं, मैं गदरपुर के मुद्दे बताएं, नव निर्माण की जो कल्पना उत्तराखंड वासियों की थी, आम आदमी पार्टी इस बार पूरा करेगी। आप तो वही बात कर रहे हो, उत्तराखंड क्रांति दल वाले भी ये बात करते थे, सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, कह रहे कि अस्पताल का हाल भी पूछ लो, बेहाल पड़े अस्पताल, खुद बीमार पड़े अस्पताल, सच बोल रहे हैं? नहीं, अस्पताल इस टाइम दो तीन दिन से थोड़ी एक दिक्कत ये चल रही है कि एक लड़का यहाँ पे खत्म हुआ है, उनकी वो अगर वो बात करे तो सच्चाई बोल ले, मैं उसमें उनके बात कर, क्योंकि जो सच्चाई, मंत्री जी अस्पताल नहीं बनवा पाए। नहीं, मंत्री जी अस्पताल के उच्चीकरण के लिए बात प्रस्ताव हो चुका है, अभी चार डॉक्टर यहाँ आने वाले हैं। नहीं नहीं, ये चुनाव के वक्त ही प्रस्ताव क्यों बनते हैं? चुनाव के वक्त ही क्यों शिलान्यास होते हैं? चुनाव के वक्त ही क्यों घोषणा होती है? वो तो चार बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, मंत्री तो अपने क्षेत्र में विकास चाहे तो मील का पत्थर साबित कर सकता है। मैं बताना चाहूंगा, ये चिकित्सा का भी एक स्तर होता है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारा रुद्रपुर है, क्योंकि एक जो ये एफआर सेंटर होता है, और रुद्रपुर जो है जिला चिकित्सा केंद्र होता है। ये रेफर सेंटर बना दिया आपने अस्पताल को, अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया आपने, अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया। दिनेशपुर, एक दिनेशपुर के आसपास का जो हमारा बंगाली बाहुल क्षेत्र है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, और यहाँ पर ना कोई सुविधा नहीं, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस है जो सबसे प्राइमरी सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है। मंत्री जी ने मैजिक को एम्बुलेंस बना रखा, उसमें कोई सुविधा नहीं है ना, ऑक्सीजन को एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस अभी यहीं खड़ी है, इसी अस्पताल में खड़ी है।
खड़ी एम्बुलेंस। देखिए देखिए आप वो हमारे कार्यकर्ता दिखा रहे मैजिक एम्बुलेंस बना रखा। मैजिक एम्बुलेंस मेरे को भी दिखाओ भाई, मैजिक एम्बुलेंस मैं भी देखता हूँ। मैजिक मैजिक ये कह रहे हैं मैजिक एम्बुलेंस, ये कह रहे हैं मैजिक एम्बुलेंस है। देखिए पीसी ये मैजिक एम्बुलेंस कह रहे हैं मैजिक एम्बुलेंस है, ये कहाँ से लाए? ये कह रहे हैं मैजिक एम्बुलेंस है। लेकिन एक एक सेकंड एक एक करके मैं हर किसी का पक्ष लूंगा, आप हाथ उठाइएगा मैं आप लोगों के पास आऊंगा गदरपुर के मुद्दों को लेकर। लेकिन मुद्दे कौन कौन से अमित जी गदरपुर के? सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं एक यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे जो अरविंद पांडे जी हैं उनको यहाँ की जनता ने विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद वो एक बहुत अच्छे पद पे रहे, एक मंत्री रहे, कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, तो वो चाहते तो इस क्षेत्र का बहुत चहुमुखी विकास कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ विजिबल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यहाँ की बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे एक अस्पताल का एक मेन मुद्दा है, जो यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे अगर इस अस्पताल को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अगर इसको वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर बदल देते तो सारी तस्वीर चेंज हो जाती। यहाँ के लोगों को बाहर के धक्के नहीं खाने पड़ते। बदलवा दूं क्या अभी? नहीं नहीं, अगर ये चाहते मंत्री जी चाहते या भाजपा की सरकार चाहती तो ये बहुत आसान सा काम था, लेकिन ये उन्होंने शायद नहीं किया अभी तक। तो ये एक इसको स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है। आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है। जो जनता सवाल पूछना चाह रही है अपना हाथ उठा लीजिएगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अपना नाम बताइए। ये कह रहे हैं गदरपुर में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बहा दी। कह रहे गदरपुर में विकास ही विकास है, हुआ विकास? बिल्कुल विकास, बहुत ज्यादा विकास हुआ। ने हमारे नगर पंचायत जो रोडे बनी है ना, जो डामर रोड थे उसमें टाइल्स लगा दिएगा तोड़ के, और जो जिसमें ये छिटकुल पास में है, ये छिटकुल जो रोड है लगातार 10 साल से ये रोड बिल्कुल बीमार था, जांच के नाम पर इन्होंने फास्ट के रखा, आज तक जांच इनकी पूरी नहीं हुई है और गड्ढा भरने का काम इनने किया। वो SIT जो थी अभी तक जांच नहीं हो पाई और उसमें से गड्ढा भरने का काम इनने किया। गड्ढा अगर पहले भरते तो हजारों लोगों की मौतें नहीं होती, हजारों लोगों की मौत हुई है, मौत हुई है, हजारों लोगों की मौत हुई है। नाम बताइए कौन सा मुद्दा है गदरपुर में, बताइए। हमारा विकास का ही मुद्दा रहा है। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हमें धर्म नहीं हमें कर्म चाहिए, हमें रोजगार चाहिए युवाओं को। आज युवाओं के पास रोजगार कहाँ है, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं, रोजगार नहीं मिला। ये कह रहे रोजगार नहीं मिला। जो अपनी बात करना चाह रहा है हाथ उठाइएगा, अपनी बात रखिएगा और सीधे तौर पर सवाल रोजगार को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गांव में जो रोड बनी है हॉट मिक्स के 37 किलोमीटर सड़क बनी है हमारे ये विजयनगर क्षेत्र में, ठीक है, ये कह रहे हैं रोड नहीं बनी है, रोजगार नहीं है, क्या बिना रोजगार के घूम रहे? झूठ झूठ बोलने। 70 साल में कोई विकास नहीं किया कांग्रेस ने, जो भाजपा कर रही है विकास। 70 साल हो गए कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। विकास अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है। ये कह रहे बीजेपी ने विकास किया है, एकदम सही कह रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ, पहली बार हमारे विधायक ने इतना विकास किया। हमारे चहुमुखी विकास हुआ, हमने मैं बचपन से बीजेपी करता हूं और इतना विकास किसी यहां पे हमने कांग्रेस के विधायक देखा है यहां पे। ये कह रहे हैं किशोर जी कि कांग्रेस के विधायक भी रहे, हमने सबको देखा, लेकिन जो अरविंद पांडे कर पाए वो कोई नहीं कर पाया। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। हरीश रावत जी ने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस सरकार ने ना बेरोजगारी भत्ता दिया ना ही युवाओं को रोजगार दिया। बेरोजगारी भत्ता मालूम है आपको किसने ऐलान किया था? वो ऐलान किया था विजय बोगड़ा ने, वो चलेगा इनके साथ। विजय बोगड़ा ने एक शख्स को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके सरकार में जाने के बाद भी उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आती है तो युवाओं को 5,000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। अच्छा, आप रोजगार दे दीजिए ना, बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हो? आप रोजगार दीजिए हमारी सरकार की पार्टी में। रोजगार चाहिए, बेरोजगारी चाहिए? ना ना, मैं पूछता हूँ, एक सेकेंड मातृशक्ति से भी पूछूंगा। मैं पूछता हूं कि आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं चाहिए। आप रोजगार दीजिए ना, हमारी सरकार की प्राथमिकता रोजगार देने की, लेकिन जब तक रोजगार नहीं दे पाते तब तक के लिए बेरोजगारी। दूसरी बात, इस सरकार ने जब बंगाली समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी उस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो गौरा देवी कन्याधन योजना है वो बंद कर दिया गया, किसी को नहीं मिल रहा है। 50,000 रुपए जो मिलता है इंटर पास करने के बाद वो पिछले 4 सालों से लंबित है और बच्चे पास करने के बाद दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर है। क्या ये सरकार ने दिया, इनसे पूछे जाए गौरा देवी? ओके, सवाल पूछ रहे हैं, है जवाब? बिल्कुल जवाब है, बताइए क्या पूछना है? वो तो यही पूछ रहे हैं आपके सामने, गौरा देवी कन्याधन योजना में आपने दिया है? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल हर बच्चे को मिल रहा है गौरा देवी धन करने का। पक्का? बिल्कुल। ये कह रहे हैं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप दिखा दीजिए किसी बच्चे को, आज की डेट की दिखा दीजिए कि मिल रही है। पिछले 4 साल के बच्चे परेशान है, लगातार मेरे पास आते हैं, वो विकास भवन में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको रोज नहीं मिल रहा है।
2000 गोरखन योजना 2017 वाला में लागू कर दिया सरकार ने, बंद है। सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए सवाल। मैं अपने बारे में बता दूं, अनिल रावत नाम है, मैं रुद्रपुर से बिलोंग करता हूं, ठीक है। ठीक है, अब आप सुनना। अभी कुछ टाइम पहले ना हमने एक आंदोलन में शरीक हुए थे, हम मतलब पुलिस की जो पेन जो सैलरी बढ़ी थी उसके लिए, पे ग्रेड के लिए। पे ग्रेड का मैटर ये था कि 16 साल जैसे ही पुलिस वाले को हो जाएगा तो उसका पे ग्रेड अपने आप लग जाएगा। 2000 में हमारे यहाँ पहली बार भर्ती आई थी, ठीक है, 2000 में हमारे यहाँ पहली बार भर्ती आई थी, उसके अनुसार 2016 में वो पे ग्रेड लग जाना चाहिए था, नहीं मिला। जो पुलिस वालों ने इसके लिए जो आंदोलन किए उस पर उन पर इतना प्रेशर बनाया गया कि पर्सनल उनको चिन्हित किया गया पुलिस वालों को। अब लड़ाई लड़े कौन, सरकारी आदमी लड़ाई लड़ नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार वालों को आगे किया, उसमें भी हुआ कि उनके परिवार वाले चिन्हित हुए। अब देखिए सरकार ने करा क्या है, सरकार को 2016 में दे देना चाहिए था, अब चल रहा है 21 में नहीं होता। पुष्कर सिंह धामी जी जब तक एज ए विधायक थे उन्होंने खुद कहा था मैं पुलिस वालों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इसको आगे सदन में ले जाके बैठूंगा। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ से पुष्कर सिंह धामी जी सीएम बन गए, लोगों को उम्मीद जागी, लोग उनके घर गए, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद से ही लोगों को चिन्हित करवाया। हमारे साथ के कुछ बहुत सारे लोग थे जिनके परिवार वाले लोग चिन्हित कर लिए गए, उन पे प्रेशर बनाया गया। तो अब इन्होंने क्या किया है मुद्दे पे, अब इन्होंने क्या किया है उस पे, जो इनको पे ग्रेड देना था इन्होंने केवल 2000 वाले बैच को, 2001 वाले बैच को दे दिया था। 2016 में 5 बैच बनते हैं। मैं आ रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो ये उठा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरे उत्तराखंड पुलिस की बात हो रही है, केवल गदरपुर विधानसभा की बात नहीं हो रही है। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके घर से एक भी आदमी पुलिस कर्मी है। मुद्दा यह है कि जब 2016 के बाद लगातार 5 साल वाले सारे बैच को 2020 तक के बैच को पे ग्रेड मिल जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिला, आप इस बात का जवाब दो। पे ग्रेड क्यों नहीं मिला, पे ग्रेड ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा है या नहीं है सरकार साहब, बताइए आप, बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मेरे ख्याल से इसमें पुष्कर सिंह धामी जी बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं, मेरे जानकारी में है, बहुत जल्दी इसको समाधान होगा। अच्छा, इसका भी शासनादेश जारी हो जाएगा ठीक चुनाव से पहले, वो कह रहे हैं कि चुनाव है, हो जाएगा चुनाव है, चुनाव के वक्त सब कुछ हो जाता है, घोषणाएं भी होती है, शिलान्यास भी होता है, आप इंतजार करिए अभी बहुत कुछ होगा चुनाव में। लेकिन ये मातृशक्ति है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी आवाज उठाइए, जो गदरपुर के अहम मुद्दे हैं उसके बारे में बताइए। गदरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप लोगों, सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो नजूल भूमि है उसको मालिकाना हक दिया जाए, मालिकाना हक मिला, हाँ मिल जाए, बस मिल जाए, हाँ वो कह रहे हैं मिल गया है। हमारे दिनेश पुनी रुद्रपुर, क्या मुद्दा आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, हमारा बस हमारे मंत्री जी ने जो काम किया है, अरविंद पांडे जी ने विकास का वो बहा दिया, लेकिन पांडे जी ने काम किया, हाँ बहुत बढ़िया काम किया पांडे जी ने, अच्छा काम किया पांडे जी ने, पांडे जी ने बहुत बढ़िया काम किया, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, जो सिलेंडर 380 रुपए में था और 900 रुपए में पार कर दिया, 1000 रुपए काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया बाप, कितने का सिलेंडर, आप खड़े होइए ना, आप खड़े होइए, अच्छा मुझे एक सेकंड, बहुत बड़ी बात बोली, कितने का सिलेंडर मिलता है आप 900 के पार हो गए, 900 हाँ 900 रुपए, 900 पार कर गए, 900 पार कर गए जी, रसोई महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, अब बताइए बिजली महंगी है, सरसों का तेल महंगा हो गया, जहाँ 80 रुपए सरसों का तेल मिलता था वो 220 रुपए में हो गया। अच्छा ओके, महंगाई को लेकर 20 रुपए मजदूरी था, आज 500 रुपए मजदूरी है, महंगाई कहाँ है, महंगाई तो है नहीं, महंगाई नहीं है, कह रहे महंगाई नहीं है, खड़े होइए ना आप, खड़े, एक सिलेंडर लेने के लिए हमें 10 दिन लाइन में लगना पड़ता था, अब एक फोन करो सिलेंडर किचन में लगा के आता है, थोड़ा सा महंगा होगा तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या महंगाई वाली बात, महंगाई वाली नहीं है, हम 10 दिन आते थे यहाँ, एक एक साइकिल लगा के रखता था, रस्सी लगा के रखता था, वो जगह खरीदना पड़ता था हमें 30-30 रुपए करके, वो दिन खत्म हो गया है, कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं गदरपुर के अहम विषय पर आ रहा हूँ, गदरपुर के, जी जी देखिए कह रहे महंगाई मुद्दा नहीं है, जब उपचुनाव हारे, चार पांच सीटें हारी, उसके बाद जाके आपने बैट कम किया, जब बैट कम करना आपके हाथ में था तो आपने पहले इसका फायदा क्यों नहीं देखा, इन्हें कहा आपकी नीयत में खोट था, जब सरकारों में आपके विधायक हार रहे हैं तब आपने रेट कम किया, तो कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है, नियत में खोट है। पिछले 45 दिनों से अब तक रेट नहीं बढ़े हैं सर, पिछले 45 दिनों से रेट नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि सामने जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं गैस सिलेंडर वाले मुद्दे पे कुछ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मिनट जरा शांति रहिए, यहीं पे लाइन लगती थी
और एक एक आदमी 10-10 दिन तक घर नहीं जाता था, या उसका रोटी यहाँ पे लगता था और वो खाना खाते थे। आज की डेट में 300-400 रुपए उस टाइम मजदूरी थी, आदमी 10 दिन तक यहाँ पे मजदूरी छोड़ के यहाँ पे सिलेंडर पे लगता था और 3-3 हजार रुपए उसकी मजदूरी खत्म होती थी, तब जाके उसको सिलेंडर मिलता था। मोदी जी के आने के बाद और हमारे जब से मुख्यमंत्री बना तब से ऐसा हुआ इस देश में और हमारे राज्य में कि फोन करो सिलेंडर घर पे। अच्छा, इसलिए महंगा कर दिया आपने, आप कह रहे इसलिए महंगा कर दिया। अभी महंगाई मुद्दा नहीं है, आप अगर उन्होंने व्यवस्था सही करी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, व्यवस्था ठीक किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 1000 रुपए का जो सिलेंडर खरीद रहे हैं वो महंगाई मुद्दा नहीं, ये नहीं हो सकता। दिल्ली में कितने का है? एक सेकंड जी, आप पूछो दिल्ली में कितना रेट, दिल्ली में रेट कितना है आप ये भी बताइए। दिल्ली में भी यही रेट है, दिल्ली में भी यही रेट है। हाँ, तो आप वहाँ फ्री नहीं दे रहे? नहीं, वहाँ पे हम सिलेंडर फ्री नहीं दे रहे ना, सिलेंडर फ्री नहीं दे रहे दिल्ली में, कह रहे दिल्ली में सिलेंडर फ्री नहीं दे रहे। अब एक सेकंड, मैं गदरपुर के मुद्दे पर आ रहा हूँ, मैं गदरपुर के एक और मुद्दे पर आ रहा हूँ। गदरपुर में मटकोटा से गदरपुर रोड सुनने में आया वहां पे दर्जनों लोग मर गए, सच है ऐसा ना? अगर कोई कह रहा है कि मतलब मरे लोग ऐसा ना, इनका कहना कि लोड खराब होने की वजह से मरा है, तो अरे एक मिनट सुने, रोड खराब होने से लोग, कांग्रेस पार्टी का जो ये रोड था जो 36 लाख का रोड था, एक मिनट, 36 लाख का रोड को इन्होंने लगभग 1 अरब में बनवाया, लगभग 90 लाख से उप... जेल में डालो ना, छोड़ा क्यों, जेल में डालो आप रोड नहीं बन रही, लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है फिर? मेरी बात तो सुन लीजिए पूरा, अब माइक उठा के मैं कैसे बोल पाऊंगा, आप रखिए अपनी बात। इस रोड को SIT जांच हुई, SIT जांच होते होते देर हो रही थी तो इसका जो है गड्ढा भरने का काम हो गया। अब जो है इस रोड को जो ऐसी कोई बात नहीं है, मक्खन की तरह है, बिल्कुल मक्खन की तरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रोड अच्छी हो गई। हाँ बिल्कुल, दर्जनों लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसा ना, जब मैं आपको कह रहा हूँ जो जनजन लोग मरे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार हैं, शुक्र करिए नेहरू जी जिम्मेदार नहीं हुए। आपने SIT जांच हो रही थी, आप लोगों ने गफला किया, घोटाला किया, वो जांच का खुलासा हुआ या नहीं हुआ वो तो 56 घोटाले भी चले गए, आप लोगों ने घोटाला किया, उस सड़क को खा लिया। देखिए, अगर हम घोटालेबाज हैं तो आपकी सरकार है, आपकी CBI है, CBID तमाम एजेंसी आपके पास है, आप अंदर डालिए, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम भी हैं। लेकिन आप ये आरोप लगा के बच नहीं सकते कि सर कांग्रेस ने घोटाला किया है। इस सड़कों को लेकर हजारों बार हमने आंदोलन किए और आए दिन दुर्घटना होती थी, और अब जब सामने चुनाव है तो इसको पिचिंग का काम किया था, पिचिंग के काम में 76 लाख रुपए का मरते हैं। जी मरे लोग, बिल्कुल मरे, इतने लोग मरे, दर्जन से ज्यादा लोग, 16-17 लोग मरे। क्या ये मुद्दा है यहाँ का? ये सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, कि ये सड़क बनी थी बहुत अच्छे पैसे लागत में बनी थी और राज्य सरकार ने इसको राज्य स्टेट हाईवे इसको घोषित किया था, लेकिन देखा यह गया था कुछ ही दिन में ये सड़क अपना वजूद खो बैठी थी, और उस कारण तमाम लोग जो यहाँ सिडकुल में जाते थे, जॉब करने जाते थे, उनकी मतलब असामयिक मौत हुई, और उसके लिए जिम्मेदार मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। उसका कारण यह भी है कि उनके कार्यकाल में ये सड़क बनी थी। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी सड़क उनके कार्यकाल में बनी थी लेकिन मंत्री जी नहीं बनवा पाए, वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वो जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? वो सरकार मौजूदा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और अगर जब भाजपा सरकार यहाँ पे आई थी तो उसको ये देखना चाहिए था कि ये सड़क की आज गुणवत्ता क्या है, और उसको सही समय पे सही एक्शन। आज गड्ढे भर रहे हैं, 5 साल पहले गड्ढे भर देते, जांच करवाते और सबको जेल में डालते, आप किसने मना किया था आपको? आपको किसी ने मना किया? सरकार आपकी थी। समय दीजिएगा, समय दूंगा, बिल्कुल मुद्दा उठाइएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को यहाँ पे 21 वर्ष हो गए, यहाँ बारी बारी से शासन हुआ, कांग्रेस जी ने भी 10 बार शासन किया, 10 साल बीजेपी ने 10 साल शासन किया, यहाँ के जो उत्तराखंड की जो मूल मुद्दे हैं, एक पलायन है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, पलायन को नहीं रोक पाए, पहाड़ों में औद्योगिक विकास होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया, और यहाँ पे जो हमारे ये तराई क्षेत्र में किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब विकास तो होते रहना चाहिए, जो सत्ता में है जिन्होंने किया अच्छी बात है, और जो वर्तमान में सत्ता में है उनकी भी जिम्मेदारी है, तो विकास निरंतर होते रहना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो जिसपे अभी तक काम नहीं हुआ। शासन तो कर लिया,
लेकिन उन मुद्दों पे उत्तराखंड का जो बेसिक मुद्दे हैं, इस बात की क्या गारंटी आप लोग सत्ता की गोद में नहीं बैठ जाओगे? इस बात की क्या गारंटी? दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है, दिल्ली उदाहरण है जी, दिल्ली उदाहरण है, दिल्ली उदाहरण। प्रतिज्ञा करो, यहाँ पे आकर प्रतिज्ञा करो, इनके इनकी गोद में नहीं बैठोगे, सत्ता में आओगे तो करोगे प्रतिज्ञा? आप मंगवाऊ जल, प्रतिज्ञा करोगे आप? करेंगे प्रतिज्ञा? हम किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं करेंगे, हम उत्तराखंड के सत्ता में आएंगे, उत्तराखंड की सत्ता में। आप कह रहे हो गैरसैंण को राजधानी बना दूंगा, कभी दिल्ली से गैरसैंण गए आप? अभी दिल्ली से गैरसैंण गए आप लोग? आप कह रहे हैं कि हम राजधानी बनवा देंगे, काशीपुर में आके घोषणाएं कर रहे हैं, कभी उनको गैरसैंण भी तो लेकर जाइए मुख्यमंत्री जी को, गैरसैंण दिखाइए तो सही, गैरसैंण है कहाँ? अभी जितनी घोषणा केजरीवाल जी ने की है और वो सारी पूरी होंगी, अगर हम सत्ता में आएंगे तब जनता को हम ये चीजें साबित कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी ने साबित कर। किसको सत्ता में लेकर आओगे? किसको सत्ता में लेकर आओगे? बीजेपी को या कांग्रेस? नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी उत्तराखंड, आम आदमी पार्टी आएगी। ओके, कह रहे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से सवाल जल्दी से। सवाल आम आदमी पार्टी से, सर आपकी सरकार ये कहती है पंजाब में चुनाव लड़ेगी शराब बैन करवाने के लिए, और दिल्ली में आप शराब प्राइवेट करवाते हो। दिल्ली में शराब प्राइवेट करवा दिया आपने, कह रहे हैं कि शराब बंदी वहां और यहां शराब प्राइवेट दिल्ली में, ये कौन सा माहौल है? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा अजय कोटियाल जी होंगे, अजय कोटियाल जी, कर्नल अजय कोटियाल पक्का जी। इनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, क्या नाम है उनका, अजय कोटियाल जी, दारू पी के लड़कियों को छेड़ते हैं, हमारे प्रदेश की लड़कियों को छेड़ते हैं, ये मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं को बता रहे हैं, लड़कियां छेड़ते हैं? जो लड़कियां छेड़ते हैं, वीडियो है मेरे पास, दिखाओ। कौन सा वीडियो? दिखा रहा हूं, अभी दिखाना मुझे वीडियो, कह रहे वीडियो है मेरे पास। लेकिन 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 एक सेकंड, मेरा एक सवाल था, सत्ता से सवाल था, लड़ना नहीं है, चर्चा करेंगे, लड़ना नहीं है, मैं एक बात जानना चाह रहा था। आप अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आरोप लगा रहा है ये रोड में एक्सीडेंट होता है, ये बताइए कौन सा रोड में एक्सीडेंट नहीं होता, ये दिखा दीजिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रोड पर एक्सीडेंट गड्ढे की वजह से हो रहा है, तो वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ये कौन सा रोड में, प्लेन रोड में एक्सीडेंट नहीं होता क्या? प्लेन रोड में एक्सीडेंट नहीं होता? अच्छा अच्छा, ये वीडियो कह रहे वायरल हो रही है, कर्नल कोठियाल साहब की वीडियो वायरल हो रही है, वो दिखा रहे हैं, कह रहे कि ये लड़कियां छेड़ रहे हैं, कह रहे लड़कियां छेड़ रहे हैं, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, हम नहीं कर रहे, ये दिखा रही है पब्लिक, वो दिखा रहे हैं, मैं पुष्टि कर ही नहीं रहा, पुष्टि कराए। मेरा एक अहम सवाल, आपने सत्ता में आने से पहले मेन हाईवे का कोई जिक्र किया था? मेन हाईवे बनना था यहाँ पे, कोई बाईपास बनना था क्या, या अफवाह फैला रही है लोग? अफवाह फैला रही है, और जो गदरपुर में बाईपास नहीं बनना था? नहीं, बाईपास बिल्कुल बन रहा था, जो बन गया बिल्कुल तैयारी है वो पूरी। नहीं, वो भी तैयार है, बिल्कुल तैयार से पहले, बिल्कुल तैयार है, तैयार है क्या? बाईपास तैयार है, बाईपास तैयार है, काम चल रहा है। पूछ लेता हूँ पब्लिक से, काम चल रहा है क्या? भाई साहब, सारे काम चल रहा है, विकास हो रहा है, लोगों को देखना चाहिए, देश के अंदर 300 हाईवे हमारे सरकार ने तैयार कर दिया, इतना फ्लाईओवर तैयार कर दिया, और कांग्रेस के सरकार के समय हमारे जैसे भाई तो डीएम थे, एसडीएम थे, उस टाइम इतना रोजगार था कि हमारे देश के हर एक नागरिक बड़े उच्च पद पे बैठे थे। आज भाजपा की सरकार आई, दलालों का दलाली बंद हो गया, इसलिए भाई साहब सब बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। ये कह रहे हैं कि कमीशन का खेल बंद हो गया। आप अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो हाथ उठा लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा उसके पास। मैं सीधे तौर पर सवाल, चलिए युवा पूछना चाह रहे हैं, बताइए। भाजपा केवल जुमलों की पार्टी है, इनके प्रधानमंत्री भी जुमले फेंकते हैं, यहाँ का शिक्षा मंत्री भी जुमला। 15 लाख रुपए नहीं आया क्या? कोई कुछ नहीं, अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवा दिए, पूछो। सिर्फ जुमला, सिर्फ नहीं आया 15 लाख, सब झूठ, पकौड़े तर सब युवा बेरोजगार हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं, जो पकौड़े तलने, पकौड़े भी तल रहे हैं, कह रहे पकौड़े भी तल रहे हैं हम तो। 200 रुपए लीटर रिफाइन ऑयल हो गया, कहाँ से पकौड़े तले युवा? 200 रुपए, हाँ। एक सुंदर हरि मंदिर से सुंदरपुर रोड 10 साल में नहीं पाया, बन पाया, वो सास की टीवी रोके होने वाले सबके, एक रोड नहीं बन पाया 10 साल में, कौन सी वाली रोड? आइए पूछवा, आइए ना, कौन सी रोड अभी आपको पूछवाता हूँ। अच्छा, कौन सी वाली रोड? एक सेकंड, विकास कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए कौन सी रोड नहीं बनी? ये सुंदरपुर रोड में नहीं बनी, सुंदरपुर रोड हाँ नहीं बनी, 10 साल में नहीं बनी, 10 साल हम बोलते बोलते थक गए। ये सुंदरपुर रोड क्यों नहीं बनाई आपने?
वो कह रहे रोड नहीं बनी 10 साल। नहीं नहीं, वो सिर्फ रोड के बगल में रहते हैं, यहाँ पे सुंदरपुर के हमारे सभासद भी बैठे हैं और रोड का टेंडर हो चुका है, उसमें आधे काम हो चुके हैं मेरे। उसमें भी अभी काम शुरू हुआ? नहीं नहीं अभी नहीं, 2 महीने पहले से। अभी देखो मेरे आप, अरे अरे एक मिनट सौरभ, टेक्निकल बात करने दो, बीच में ऐसा मत पंगा करो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जेई एक्शन है उनसे आप फोन करके पता कर, उसका टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस टाइम बहुत अति जानना चाह रहा हूँ कि ये टेंडर अभी क्यों होते हैं? ये कह रहे टेंडर होगा, एक मिनट, इसमें ये कह रहा है कि हाई मिक्स हार्ड मिक्स करने का बात था, लेकिन हम इनके घर तक गए, चरमा सब घर गए, बनेगा, लेकिन एक हफ्ता बाद किया गया, 2 टैली बजरी और 10 टैली लेके यहाँ पर मेंबर है, ये कह रहे अपने जेब के चंदा देके बना रास्ता में, हमको कह रही है मेंबर हम जेब से सब समाचार के, आप जेब से पैसा देंगे? हाँ हम जेब से चंदा देके बनाएंगे, ये कह रहे हैं हमसे। हाँ, हम लोग इतना बेगम साहब जनता का, ओके, ये कह रहे हैं कि जनता जो है जेब से पैसा लगा के सड़क बना रही है, आप कह रहे विकास हुआ। मैं सभासद साहब खुद मौजूद है, बोलिए। रोड हॉट मिक्स पास नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था गड्ढा भरने का, उसमें ये कह रहा है हॉट मिक्स बनाओ, ये कुछ कांग्रेस के लोग जाके विरोध करता है, इसलिए रोड कांग्रेसी विरोध कर रहे, यही विरोध कर रहे थे वहाँ पे, और कोई विरोध नहीं है, सब रोड कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, ये कह रहे हैं जल्दी से। इस बीजेपी की सरकार में जो भू माफिया है और जो शराब माफिया है, खनन माफिया है, सिर्फ उनको रोजगार मिला है, और 3-3 मुख्यमंत्री को रोजगार मिला है और किसी को नहीं। आप देखे जाए, देख जाइए, जितने भी सड़कें बन रही है सब 2-3 में उखड़ जा रही है, और इसी चक्कर में काम रोका जा रहा है। आपके यहाँ माफिया नहीं हुआ करते थे? आपके नहीं होते, आप जो होते थे वो सलाखों के पीछे, आज होते थे वो तो बीजेपी में भी। हाँ वो बीजेपी में देखिए ना, देखिए अगर हमारी सरकार में घोटाले हुए हैं या जो लोग भटा रही है सरकार, इनकी अंदर करे। स्कूटर के नंबर है मालूम है आपको? परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री, आज किस समय कौन सी पार्टी में, आपका अच्छी तरह पता है तो थे किसके? चलो ठीक है, समय परिस्थिति एक जैसे नहीं होती, लेकिन क्यों नहीं, आप ही के थे ना? नहीं नहीं, थे आप ही के। आज तो बीजेपी की विचारधारा, आपके थे कि नहीं? आज तो बीजेपी की विचारधारा जुड़े आपके थे या नहीं? देखिए पार्टी कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई भी आ सकता है, यानी जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस को छाए नहीं। ओके, एक सेकेंड, अब एक और मुद्दा है गदरपुर का, मुझे यहाँ की आवाम ने बताया, कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक जाम क्यों होता है? क्योंकि अनाज मंडी आपके आसपास गदरपुर में, क्या समस्या है ये और क्यों नहीं सुलझा पाए? नहीं, बाईपास का मुद्दा मैंने उठाया, बाईपास का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया, उसमें फिलहाल कार चलने लायक स्थिति हो गई। कार चल रही है? हाँ बिल्कुल, कार चलने लायक हो गया, और मेरे ख्याल से बन गया बाईपास, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप अभी चले, बिल्कुल बन गया बाईपास, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल बाईपास बन गया, ये कह रहे बाईपास बन गया, बताओ बाईपास बना क्या? छतरपुर से गदरपुर तक बाईपास बना नहीं है अभी तक, नहीं बना, बीजेपी सरकार ने रोक रखा है, बीजेपी सरकार ने। हाँ अरे बाईपास में साथ चलो, नहीं चलो हम चलते हैं दिखाते हैं बाईपास, ये तो कह रहे नहीं बना, कह रहे हैं कि बाईपास बना ही नहीं, फर्जी बातें कर रहे हो फर्जी। देखिए अगर बाईपास बहुत पहले बन जाता, मंत्री जी ने पहले बाईपास रुकवा रखा उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ठीक चुनाव से पहले काम शुरू कराया, नहीं तो बहुत पहले ही काम हो जाता। और क्या है बाईपास नहीं बना, वो कह रहे मेरे साथ काम चालू हुआ है, लेकिन इसको पहले करना चाहिए था, अभी काम अभी फिलहाल चालू हुआ है, अभी चुनाव आ गया, चलो कम से कम बन तो जाएगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं इस समय। लेकिन मैं थोड़े दूसरे मुद्दे पे आपको बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरे मित्र यहाँ पे हैं भाजपा के, बहुत सारे लोग मेरे मित्र बैठे भी हैं, प्लीज जल्दी। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नोटबंदी हुआ, मुझे नोटबंदी के एक लाभ बता दे कि इस नोटबंदी से हमारे देश का फायदा क्या हुआ। हम ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से जो है उद्योग बंद हुए, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसका गदरपुर के भी तो मुद्दे उठाइए ना, गदरपुर का मुद्दा उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? मैं फाइनल कमेंट यहीं पर ही, मैं अभी आपके मंत्री और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करूंगा, जिसको नंबर दे रहे हो मैं उसके पास आ जाऊंगा, आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा, लेकिन फाइनल कमेंट आपका, क्या मुद्दा है बाईपास का या नहीं गदरपुर में? देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है बाईपास का, अगर मुद्दा ये समय रहते अगर सॉल्व हो जाता तो ये समस्या खत्म हो जाती, हालांकि उसमें काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा ऐसा लगता है और ऐसा दिख रहा है। आप दिख रहा है? ओ, हाँ अब नहीं, ये 5 साल में नहीं बनाया। देखिए हाईवे बन रहा था, हाँ ये पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई टेक्निकली सारे घोटालेबाजों को तो डालिए ना अंदर, कौन रोक रहा है? सरकार आपकी, आपको घोटालेबाजों को छोड़ना नहीं चाहिए। घोटाला किया, घोटाला
घोटाला सर सर छोड़िए छोड़िए बात 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 अधिकारी तो जेल जाते हैं, मंत्री नहीं जाते, विधायक नहीं जाते, अगर जाते तो एनएच वाला घोटाला भी नहीं होता। आप छोड़िए छोड़िए साहब, एनएच की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है सबको मालूम है। एनएच की कहानी मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ के घोटाला हुआ था, यहाँ के माननीय अरविंद पांडे जी उसमें यहाँ विधायक थे, तो जब इनके इनके कार्यकाल में इनके प्रतिनिधि रहते हुए घोटाला हुआ तो वो क्या कर रहे थे, कहीं मिले हुए तो नहीं होते? ये मिले हुए तो नहीं थे, ये कह रहे तो मिले हुए तो नहीं थे ऐसा ना, ये कह रहे ना जुमलेबाजी की पार्टी, ये खुद जुमलेबाज है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाईपास रुकने का मुख्य कारण है, ये जो रोड निकली है जिसका बाईपास में जिनकी जिनकी जमीन आई थी, एक मिनट रुको, जिनकी जिनकी जमीन आई थी उन्होंने जो है कोर्ट में स्टे लिया था, तो कोर्ट का स्टे तुरंत उसका पैसा दिया गया, पैसा देने के बाद वो पुनः उसका कार्य संपन्न होने जा रहा और बहुत जल्दी उसमें बहाने दौड़ने। ये तो थे गदरपुर के मुद्दे। अब मैं एक गुजारिश है भाई साहब, आपके पास आया मैं, प्लीज आपके पास लड़ना नहीं है, चर्चा करेंगे, बहस क्यों करेंगे। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ, मैं आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड बनाना चाह रहा हूँ यहीं पर खड़े होकर। मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड आप खुद तय कर लीजिए, ये कह रहे फेल और पास, शुरुआत इन्हीं से करता हूँ, विधायक जी फेल या पास? पूरी तरीके से फेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों को यहाँ पे छूना था उन्होंने कोई काम, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 3 नंबर। 10 में से 3 नंबर पास भी नहीं किया, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 3 नंबर ही दूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर काम नहीं हुआ है, इसलिए 3 नंबर। ये भी 3 नंबर दे रहे हैं, ये भी 3 नंबर दे रहे हैं, आप कितने नंबर देते हैं? यहाँ की जनता ने बीजेपी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, तो अभी तक कोई ऐसा दिखने को नहीं है। नंबर दस में से मैं 5 देना चाहूँ। पास कर दिया आपने, 10 में से 5, फाइनल कमेंट आपसे ही लूंगा मैं, लेकिन आप कितने? 10 में से 10। कौन सा ऐसा मुद्दा जो 10 में से 10? टोटल कौन सा मुद्दा नहीं किया आप बताइए ना, कौन सा? इतने पूछ रही है मैंने, कितने नंबर? 10 में से 10। बिल्कुल 10 नंबर देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को, उन्होंने जो हमारे क्षेत्र के लिए विकास किया है आप खुद देख सकते हैं, ये राजकीय इंटर कॉलेज देख सकते हैं, थोड़े उसके पीछे आप खुदीराम बोस का जो स्टेडियम है, 28 तारीख से कबड्डी का राष्ट्रीय मंडल खेल हमारे दिनेशपुर की एक पहचान दिलाई गई है माननीय मंत्री जी द्वारा। आप कैसे, आप ये सोच रहे विपक्ष का नेता 3 नंबर दे रहा तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 3 नंबर दे रहा है, 10 में से कितने नंबर? 10 में 10। 10 में से कितने? 10 में से कितने नंबर? 10 भाई साहब, 10 में 10। ये मोदी जी सब टाउन एरिया को साफ करिए, कैसे मोदी जी तो सब साफ हुई से। अच्छा अच्छा, 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? 10 नंबर। 10 में से 10। 10 में से 10। मेरे हिसाब से हमारे जो मेरे हिसाब से कुछ भी काम किया नहीं है, नहीं किया। 10 में से कितने नंबर? कोई नंबर 0/0। 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? एक सेकंड, आपके फाइनल कमेंट। दुर्गा मंदिर में इनको पैसा दिया आपके? दुर्गा मंदिर में पैसा दिया, ये कह रहे हैं, आप कह रहे कुछ नहीं किया दुर्गा मंदिर का? अरे दुर्गा माता की, भारत माता की, बस हम भी भारत माँ के संतान है और हम निष्पक्ष बात हम करना चाहते हैं। दुर्गा मंदिर वाली बात भी हम बता रहे हैं, मंदिर में शासन से पैसा मिला है, हमने डिमांड किया था। अरे यार बोलने दो, किससे बोलना था तो जरा, पैसा मिला हमने, हमारी कमेटी, अरे सुन ले दो यार, हम बोल रहे क्या, नहीं मिला नहीं दिया भाई, देखिए सुनिए, अरे बात सुनो, अगर सुनने का क्षमता है तो बात सुन लो, आके मेरे ऊपर जो बात मंदिर के बारे में बोले, जल्दी आइए मुद्दे। हाँ मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये जो मंदिर के लिए हमने पैसा डिमांड किया था और मंत्री जी के पास गए थे और हमें मंदिर के लिए पैसा मिला है ना? हाँ। ये वही तो कह रहा, पैसा मिला है जो विकास कार्य के बारे में। अब आप दो चार फिर भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं, सर बातें मुझे कहना है, जो बात जो सामने मुद्दा है जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बता रहा हूँ, एक तो देखिए ये बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, एक मिनट, ये बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है गदरपुर विधानसभा, और यहाँ पे जो हमारी बंगाली समाज का वोट 40% वोट यहाँ बंगाली समाज का है। मैं बात मुद्दे की कर रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, बना नहीं बना मंदिर कह रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, मंदिर बना है, इनके अध्यक्ष के रहते इन्होंने मांग की थी 15 लाख की, लेकिन माननीय मंत्री जी ने 60 लाख रुपए दिया है। 60 लाख
ठीक है, 8 लाख मिला है, 8 लाख रुपए दिया है, ये कह रहे हैं मंदिर विधायक अभी तक प्लीज जल्दी प्लीज। इसे जो दुर्गा मंदिर है, इसे दुर्गा मंदिर निर्माण का प्रेसिडेंट मैं हूँ, और ये कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हैं, समाज के लोग मुझे बनाया, और ये मंदिर आपके सामने है, आप देख लीजिए, 59 लाख रुपया दिया है माननीय मंत्री जी ने, और उत्तराखंड खंड का सबसे श्रेष्ठ मंदिर बनेगा, दुर्गा मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिर बनेगा। मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया सर, मैंने आपके सबके मुद्दे उठाए, प्लीज सबके मुद्दे उठाए, अनुशासन बनाए रखिए। मैंने कहा था कि चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे, हम लोगों ने चर्चा की, आप लोगों के लिए हम आए थे, और गदरपुर के एक एक मुद्दे को मैंने उठाया, मैं 370 की बात करने नहीं आया था, मैं आप लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए आया था। ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया है, हम लोग पूरा गढ़वाल कवर कर चुके हैं और कुमाऊं के दौरे पर हैं, और 1 लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं आप लोगों के प्रेम से, क्योंकि हम लोग आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, और प्यार उम्मीद करेंगे आगे बरकरार रहेगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन हम इस कार्यक्रम को अंत करेंगे एक नारे के साथ, वो नारा है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गदरपुर की जनता की। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।